गुड मॉर्निंग, स्वागत है हमारे इस न्यू व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है, उठ गए हैं और वहाँ पे मम्मी शिवांश को तेल लगा रही है और मैं लगा रही हूँ अभी पूछा इधर, और इस रूम में अभी लगा दिया है। फिर से तैयार हो जाते हैं, पहले पूछा लगा लेती हूँ, उसके बाद नहा धो के तैयार हो जाते हैं, उसके बाद किचन में नए वाले किचन में खाना बनाएंगे और देखते हैं कि खाने में क्या क्या बनेगा। पहले तो खाएगा नहीं वो, तो दाल चावल चोखा यही सब खाएगा। क्या क्या बताए बेटा? अभी सुबह सुबह कुछ सब्जी लेना था और तेल, बेल का शरबत पीना था सभी लोगों को। तो अभी हम लोग गए तो बगल में ही मार्केट है, तो बेल लिया, अभी दो बेल, नींबू एंड ये बैगन। तो ये रही अपनी लिफ्ट, उसमें दो लिफ्ट दी गई है इस वाले फ्लैट में, और एक रिंग लाइट भी लगी हुई है। ये देखो ऊपर में परफेक्ट रिंग लाइट है, मतलब अच्छा लगता है ऊपर देखो, और बीच में से हवा आता है। तो चलो सारा सामान लेके जा रहे हैं अभी रूम में और जल्दी जल्दी चलते हैं अभी। हे फैमिली, गुड मॉर्निंग, स्वागत है हमारे इस न्यू व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है, उठ गए हैं और वहाँ पे मम्मी शिवांश को तेल लगा रही है और मैं लगा रही हूँ अभी पोछा तो इधर, और इस रूम में अभी लगा दिया है पोछा, और अभी इस रूम में पोछा लगा रही हूँ। वैसे अच्छा है, इसकी हेल्प से ना बहुत अच्छे से पोछा लग जाता है और पूरे घर में, नहीं तो अगर हाथ से लगाते ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता और पोछा लगाने में भी घसकते घसकते हालत ख़राब हो जाता है। वैसे अच्छे से लग जाता है, यहाँ से व्यू देख सकते हैं एकदम ग्रीन ग्रीन पेड़, और इधर साइड पुल है। और मम्मी ने बताया कि आज से खाना बन सकता है, तो जल्दी जल्दी से तैयार हो जाते हैं, पहले पोछा लगा लेती हूँ, उसके बाद नहा धो के तैयार हो जाते हैं, उसके बाद किचन में नए वाले किचन में खाना बनाएंगे और देखते हैं कि खाने में क्या क्या बनेगा। पहले तो पहली बार बन रहा है तो कुछ मीठा ही बनना चाहिए, तो मम्मी से पूछेंगे, मम्मी जो बोलेंगी वो खाना बनेगा। चलते हैं सफाई करने, झाड़ पोछा ये सब हो चुका है, अभी जा रही हूँ नहाने के लिए और आज हमारे नए किचन में खाना बनने वाला है। सो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्या क्या बनाने वाले हैं। और यहाँ पे शिवांश आ गया है ब्रश करते हुए, चलो ब्रश करा दो, तुमको भी नहा दूँ, हम भी नहा लेते हैं, चलो। कहाँ लाइट जल रहा है? Hey guys, good morning. सब श्री अकाल प्रणाम सलाम सेम बोलो तो कैसे पानी दे रहा। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे न्यू ब्लॉग में। अभी हम लोग देखो सोसाइटी, हम लोगों की नई सोसाइटी है, नया फ्लैट है, नया घर है। हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं कोलकाता में, अभी उस प्रांत से आए हैं, और बहुत लोग पूछ रहे हैं कि भैया घर किसका है, आप लोग कोलकाता शिफ्ट हो रहे हो, कहाँ पर शिफ्ट हो रहे हो, क्यों इतनी जल्दी आ गए, एकदम से प्लान बन गया, सब कुछ बताएंगे बट थोड़ा सा टाइम देखे। फिलहाल आज हमारे यहाँ घर पर फर्स्ट टाइम खाना पीना बनेगा, मतलब आपको पता था कि खरमास था, हमने बताया भी था आपको, तो खरमास की वजह से खाना पीना नहीं बन रहा था। तो अभी का सीन ये है कि अभी खाना पीना बनेगा आज से, तो सब कुछ रेडी हो जाते हैं, हम लोग तैयार हो जाते हैं, मतलब नहा धोवा के फ्रेश हो जाते हैं, और मम्मी पूजा सभी लोग, इसके बाद आज फर्स्ट टाइम नए वाले घर में, नए वाले किचन में खाना बनेगा। किचन घर थोड़ा अस्त व्यस्त है, थोड़ी टाइम के बाद सब कुछ अच्छे से शिफ्टिंग हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। अभी सब सामान ऐसे ही रहेगा, अभी हम लोग आए हुए हैं कुछ महीने के लिए, इसके बाद देखते हैं परमानेंट शिफ्टिंग का जो भी प्लान वगैरह बनेगा वो सब बनाएंगे, ठीक है। आज से पहले खाना बनेगा, ठीक है, चलो अभी। ये आ रहा था कि भैया कोलकाता के बारे में अभी क्या राय है, कोलकाता कैसा शहर है? तो कोलकाता बहुत ही अच्छा शहर है, और यहाँ पे हमारे बहुत सारे रिलेटिव रहते हैं, और देखो शायद आई हो कि हम लोग कोलकाता शिफ्ट हो जाएं, देखते हैं कैसा प्लान होता है, बताते हैं आपको। हे गाइस, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, ये साड़ी ना रेडी टू वेयर है, और कैसी लग रही है आप तो कमेंट करके बताना, पूरा एकदम रेडी टू वेयर है। रेडी टू वेयर साड़ी ना ईजी होता है पहनना, लेकिन थोड़ा सा अजीब ही लगता है, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होता है,
स्टैंडर्ड भी सही रहता है, नहीं तो ऐसे यहाँ पे ट्रेन हमेशा आती रहती है, उसकी आवाज़ आ रही है। चलते हैं फिर किचन में, कुछ खाने पीने की तैयारी करते हैं। किचन में खाना बन रहा है, भिंडी की सब्जी बन रही है, भुजिया भिंडी का भुजिया, इसमें क्या दाल दाल चावल भुजिया, ये बैगन लाया उसका वो फ्राई कर देना थोड़ा सा करके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे खाना रेडी हो रहा है, फर्स्ट टाइम किचन में पूजा हो गया, देखो तंदूरी पूजा हुआ है, Hey guys, तो अभी खाना बन रहा है, दाल बन चुका है, इधर चावल चढ़ा रखा है और इधर बनने वाला है भिंडी का भुजिया। और आज स्पेशल मासी जी बनाई थी बेल का शरबत, अब एक ग्लास बच गया है, अब हो रहा है कौन पिएगा कौन पिएगा। इधर मम्मी तेल काट के रख रही है डब्बे में, पी लीजिए मासी जी आप। एकदम सारा अद्भुत भिंडी था, बैगन कैसे करते हैं, हाँ। तो बस अभी खाना बना रहे हैं और इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है ना कि कुछ कहने लायक नहीं, ऊपर से मैंने ऐसा पहन लिया है कपड़ा कि और ज़्यादा गर्मी लग रही है, एकदम मोटा सा कपड़ा पहन लिया है, साड़ी है वाला, तो और ज़्यादा गर्मी लग रही है। बस अभी भुजिया चढ़ा हुआ है, इधर चावल चढ़ा हुआ है, चावल बस होने वाला है। यहाँ पे चटनी पीसने के लिए रख लिया है धनिया पत्ता, मिर्ची, लहसुन और टमाटर, लेकिन शिवांश जार लेके भाग चुका है, तो अभी देख के आते हैं कि जार कहाँ है, फिर पीसेंगे चटनी। कहाँ रखा है जार शिवांश? तो खाना पीना सारा कुछ बन चुका है, यहाँ पे भुजिया भी हो ही चुका है, इसको बंद कर देते हैं और अभी बस बैगन का भाजा बनाना बाकी है। इसमें बस हल्दी, नमक, मिर्ची बस इतना डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे मिक्स करेंगे और फिर इसको अच्छे से फ्राई पैन में सेंक देंगे, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। बाकी यहाँ पे चटनी बन चुका है, चोखा बन चुका है, दाल बन चुका है और इधर चावल बन चुका है। यहाँ पे मैंने बैगन फ्राई भी चढ़ा दिया है, अब इसको बस धीमी आंच पे सीजने देते हैं और इसको ढक देते हैं। बाकी अभी जा रही हूँ शिवांश को खाना खिलाने के लिए, उसके लिए खाना निकाल लेती हूँ, ये तो वो खाएगा नहीं, वो तो दाल चावल चोखा यही सब खाएगा। बैगन एक साइड से हो गया है, दूसरी साइड पलट दिया इसको और यहाँ पे निकाल लिया शिवांश का खाना, तो अभी जा रही हूँ उसको खिलाने के लिए, देखते हैं कि खाता है कि नहीं। खाना तो इतना निकाल लिया है लेकिन खाता वो नाम का ही है। क्या बताएं बेटा, क्या नहीं बताएंगे। बताना। पुलिस है बुआ। मम्मा यही थी, मम्मा कहीं नहीं गई थी, बता दिया ना, मम्मा यही थी, बुआ पुलिस उस वाले रूम में थी, कह रहे मम्मा कहाँ गए थे, बताओ ना कहाँ गए थे। तो अभी मैं थोड़ा सा रेडी हुई थी रील बनाने के लिए, ये प्यारा सा चूड़ा पहना है, ये टीका पहना है, कैसी लग रही हो बेटा? मम्मा अच्छा लग रही है, मम्मा अच्छा लग रही है, लेकिन इतनी भारी भारी साड़ी और ज्वेलरी पहन के मैं बाहर नहीं जा सकती। और अभी थोड़ी देर में हम सबको निकलना है यहाँ से छठ घाट के लिए, यहाँ पे भी मतलब बहुत अच्छे से मनाया जाता है चैती छठ, तो वो हम लोग देखने जाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। घर पे रहती तो नहीं जा पाती क्योंकि वहाँ पे चैती छठ जैसे घाट पे होता है लेकिन घर में कोई नहीं करता है, और यहाँ पे पास में ही है तो देखने को मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो अभी चलते हैं, बस मैं तैयार हूँ, लेकिन तैयार होने जा रही हूँ क्योंकि नॉर्मल सा कपड़ा पहनने जा रही हूँ, ये पहन के नहीं जा सकती, मैं गिर जाऊँगी। शिव नहीं, ये पापा का कार्ड देखो, इसमें पापा का कार्ड है, ये गुम हो जाएगा। ठीक है, तो शाम होने वाली है, 5 बज चुके हैं और आज फर्स्ट टाइम नए वाले फ्लैट पे खाना बना और सभी लोगों ने खाया, पूजा पाठ भी हुआ है, मम्मी ने पूजा पाठ भी किया है। फिलहाल सीन ये है कि अभी छोटा सा काम आ गया हमें,
तो अभी हम जा रहे हैं और आई होप आपको आज का ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा। बाकी जो भी ब्लॉग्स पे कमेंट है, जो भी मन में आपके क्वेश्चन है, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करो, नेक्स्ट वाले पार्ट में आपको जवाब दिया जाएगा। और अभी हमें डॉक्टर के पास जाना है, कुछ ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से हमें डॉक्टर के पास पूजा को लेके जाना पड़ रहा है। फिलहाल इस ब्लॉग से विदा लेते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको यह ब्लॉग पसंद आया, तो लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, जय माता दी।